हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को भारत इन माय होम चैप्टर जो है इसका समरी बताने वाला हूं। और समरी आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी टू इंग्लिश प्रोसेस से, यानी ट्रांसलेशन के मेथड से हम लोग समरी को सॉल्व करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, ताकि जितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश टू इंग्लिश याद करने में दिक्कतें आती हैं, वे दिक्कत ना आए और 5 नंबर आपको एग्जामिनेशन में मिल जाए। यानी हम लोग एक कहानी के जैसा हिंदी को समझेंगे और ट्रांसलेशन के जैसा एक एक सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका समरी दिखाना चाहूँगा। देखिए, भारत इज माई होम इज ए स्पीच, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन्स स्पीच विच वॉज डिलीवर ऑन 13 मई 1967 ड्यूरिंग टेकिंग द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पूरा एक समरी है जो आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलने वाला है, 5 मार्क्स। लेकिन हम लोग इसे ऐसे ना पढ़ेंगे और ना ही ऐसे याद करना है, हम लोग इसको हिंदी टू इंग्लिश करेंगे बिल्कुल आसान तरीका से। ठीक है, तो शुरुआत किया जाए हिंदी टू इंग्लिश कर इसे बनाना। देखिए, भारत इज माई होम चैप्टर है, एक भाषण है, तो जो चैप्टर का नाम होता है वह इंग्लिश हो या हिंदी हो एक ही जैसा लिखा जाएगा। यानी हम इसे इसी तरह लिखेंगे, भारत इज माई होम, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे। एक स्पीच है तो यहां पर लिखने वाले हैं इज ए स्पीच। अब सवाल है कि इज क्यों लगा। ठीक है, भारत इज माई होम चूंकि एक टाइटल है, एक लेसन का नाम है, तो कभी भी लेसन का नाम एक शब्द का हो, दो शब्द का हो या दो से ज्यादा शब्द का हो, ये सिंगुलर ही माना जाएगा। ठीक है, ये सिंगुलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो भारत इज माई होम इज ए स्पीच। आगे है, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है। लिया गया है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट इसलिए कि है लगा है, लिया गया है, काम कंप्लीट हो गया है, असर अभी भी है। तो जब ऐसा रहेगा तो हम लोग इसके लिए हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ V3 फॉर्म का यूज करते हैं, हैज और हैव के साथ V3 फॉर्म का यूज करते हैं। यह मतलब इस चैप्टर की बात हो रही है, इस टाइटल की बात हो रही है, तो हम सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर लिख दिए इट। यानी इसके लिए जो प्रोनाउन हम लिखे वह है कौन, इट। और इट के साथ हैज यहां से ले लेंगे, इट हैज बीन टेकन, टेकन मतलब लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, एक तरीका तो ऐसे है, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम, और ऐसे ना लिखकर आप सीधे नाम को लिखेंगे, फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन्स स्पीच, है ना। यानी या तो आप एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करें नाम के साथ, ये के लिए आ गया है एपोस्ट्रॉफी एस, या तो फिर ऑफ लगाते हैं। तो इस तरह से बना, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन्स स्पीच। फिर आगे है जो, जो के लिए हमने लगाया विच। ठीक है, जो के लिए विच, जो 13 मई 1967 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के दौरान दिया गया था। यानी पहले हम लिखेंगे जो दिया गया था, विच वाज डिलीवर्ड, है ना। अब ये डिलीवर्ड कैसे हो गया, विच मतलब जो, और वाज लगा है किसके लिए भाई, तो दिया गया था के लिए, और दिया गया था ये पैसिव वॉइस है, तो इसलिए हम वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगा दिए, विच वाज डिलीवर्ड। कब दिया गया था, 13 मई को, तो लिखेंगे विच वाज डिलीवर्ड ऑन 13 मई 1967। अब ये ऑन क्यों लगा, क्योंकि 13 मई जो है एक डेट है, और कभी भी डेट रहेगा तो इसके साथ ऑन लगाते हैं। फिक्स डेट जब रहेगा, जैसे 13 मई, तो 13 मई एक डेट हो गया, फिक्स डेट है, तो इसके साथ ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर ये नहीं रहता, 13 मई नहीं रहता, 13 मई नहीं रहता, तो हम लोग 1967 के साथ एट नहीं लगाते, इन लगाते, क्योंकि साल के नाम के साथ इन लगता है। फिलहाल ऑन 13 मई
1967 हो गया, ठीक है। अब ये कब दिया गया था भाई, तो ये तो हो गया कि विच वॉज डिलीवर ऑन 13 मई 1967 और ड्यूरिंग, ड्यूरिंग कहां से आ गया, तो देखिए दौरान है, तो यहां पे लिख देंगे ड्यूरिंग टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए इसे इनको भी समझा जाए, जो 13 मई 1967 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के दौरान दिया गया था, विच वॉज डिलीवर ऑन 13 मई 1967 ड्यूरिंग टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, के रूप में यहां पर लगा है, तो के रूप में के लिए क्या हुआ, एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की संस्कृति और यहाँ के लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं, इस भाषण में, तो पहले लिखेंगे इन दिस स्पीच, इसका मतलब हो गया इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की संस्कृति और यहाँ के लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं, तो पहले लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, तो शपथ लेना के लिए क्या होता है, शपथ लेना के लिए टेक होता है, शपथ लेना के लिए क्या होता है, टेक होता है, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन एक सिंगुलर नेम है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, ता तेती लगा हुआ है ना, लेते हैं, जब ता तेती लगा रहेगा तो V1 या V5, इस नाम के साथ V1 नहीं लगेगा, ACS वाला V5 लगेगा, तो बना डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स एन ओथ, है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, शपथ लेते हैं, टेक्स एन ओथ, क्या क्या शपथ लेते हैं, भारत की संस्कृति और यहाँ के लोगों की सेवा की, तो टेक्स एन ओथ टू सर्व, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, है ना, सेवा करने की, तो टू सर्व, अब किसकी सेवा, तो भारत की संस्कृति, टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स पीपुल, ठीक है, यहां तक क्लियर है, चलिए एक बार फिर से समझाते हैं, भारत इज माई होम एक भाषण है, तो हमने लिखा भारत इज माई होम इज ए स्पीच, यह डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण से लिया गया है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम डॉक्टर जाकिर हुसैन स्पीच, फिर आगे है जो 13 मई 1967 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के दौरान दिया गया था, ठीक है, विच वॉज डिलीवर, जो दिया गया था ऑन 13 मई 1967 13 मई 1967 को ड्यूरिंग टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ड्यूरिंग मतलब के दरमियान, तो यहाँ पर है के दौरान या के दरमियान, टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है, इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत की संस्कृति और यहाँ के लोगों की सेवा करने की शपथ लेते हैं, इन दिस स्पीच, इसका मतलब हुआ इस भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन शपथ लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक्स एन ओथ, क्या शपथ लेते हैं, तो शपथ लेते हैं सेवा करने की, टू सर्व द कल्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की संस्कृति एंड इट्स पीपुल यहाँ के लोगों की, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला पॉइंट आता है, वह भारत के आर्थिक सामाजिक और नैतिक विकास के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं, यानी वह क्या करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, तो पहले इतना ही हम बनाएंगे, ही चाहते हैं, ही वांट्स टू, समर्पित करना का होता है डिवोट, ही वांट्स टू डिवोट, ठीक है, खुद को, तो खुद को के लिए क्या हो जाएगा, चूंकि वे हैं यानी थर्ड पर्सन, तो इनके लिए हिमसेल्फ हो जाएगा, अगर मैं होता तो माई सेल्फ हो जाता, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है, ही वांट्स टू डिवोट हिमसेल्फ यानी वह खुद को समर्पित करना चाहते हैं, किस चीज के लिए, तो भारत के आर्थिक सामाजिक और नैतिक विकास के लिए, तो लिखेंगे टू द इकोनॉमिक सोशल, फिर आगे क्या है, नैतिक विकास, तो एंड नैतिक के लिए क्या होता है, मोरल विकास, डेवलपमेंट, ठीक ना, डेवलपमेंट किसके, इंडिया
इंडिया की, तो यहां पे लिख देंगे ऑफ इंडिया। देखा जाए ये लाइन कंप्लीट हुआ क्या, वह भारत के आर्थिक सामाजिक और नैतिक विकास के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं। He wants to devote, यानी वह समर्पित करना चाहते हैं himself, खुद को टू द इकोनॉमिक सोशल, इकोनॉमिक मतलब हो गया आपका नैतिक आर्थिक, सोशल का मतलब हो गया सामाजिक एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी नैतिक विकास के लिए, किसके, तो भारत के ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे वह हमें ईमानदारी और निष्ठा से कार्य करने की सलाह देते हैं, यानी वह देते हैं, है ना, क्या सलाह, तो लिखेंगे ही, तेती लगा है, इजे मार नहीं लगाएंगे, सीधे भी वन या भी फाइव, तो ही के अनुसार भी फाइव हो जाएगा, ही एडवाइसेस, किसे सलाह देते हैं, अस, हमें, वो हमें सलाह देते हैं, हो गया, क्या करने की, तो कार्य करने की, ही एडवाइसेस अस टू डू वर्क, आप चाहे तो डू हटा भी सकते हैं, टू वर्क, वर्क वर्ब का भी काम करता है, तो हो जाएगा ही एडवाइसेस अस टू डू वर्क। फिर है ईमानदारी और निष्ठा से, तो यहां पर लिखेंगे विद ऑनेस्टी एंड क्या है, निष्ठा, निष्ठा के लिए होता है डिवोशन, है ना, डिवोशन मतलब निष्ठा। यहां पर ध्यान देना है, बहुत बच्चे विद के जगह फ्रॉम लगा देते हैं से के लिए, है ना, उनको ये समझ में आया कि से है तो फ्रॉम लगा दें, लेकिन ध्यान ये देना है कि ईमानदारी अलग नहीं हो रही ना, ईमानदारी से यानी उसके साथ, तो इसलिए साथ के सेंस में हम लगा दिए विद। ही एडवाइसेस, वह सलाह देते हैं हमें टू डू वर्क विथ ऑनेस्टी एंड डिवोशन, ठीक है, उनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार के लिए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार। आगे कार्य के दो पहलू हैं, तो लिखेंगे देयर आर टू, पहलू का होता है एस्पेक्ट, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, है ना, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, इसका मतलब कार्य के दो पहलू हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक, तो व्यक्तिगत के लिए होता है इंडिविजुअल, तो यहां पर हम लिख दिए इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एंड सामाजिक के लिए होता है सोशल, हो गया फुल स्टॉप। दोनों परस्पर फलदायी हैं, दोनों, दोनों मतलब बोथ, तो लिखेंगे बोथ आर, परस्पर, परस्पर के लिए होता है म्यूचुअली, एम यू टी यू ए डबल एल वाई, बोथ आर म्यूचुअली, और फलदायी के लिए क्या होता है फ्रूटफुल, तो यहां पे लिख दिए फ्रूटफुल, फुल स्टॉप। अपने भाषण में डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीफ करते हैं वे, देखिए अपने भाषण में वे मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन राधा कृष्णन की तारीफ करते हैं, चलिए थोड़ा सा आप इसको तो रिमूव करना होगा, हम लोग यहां से ट्रांसलेट करने वाले हैं, इतना आप लोग समझ गए हैं, देख लीजिए लोग, चलिए आगे बढ़ाते हैं यहां से। अपने भाषण में, तो लिखेंगे इन हिज स्पीच, इसका मतलब हुआ अपने भाषण में, इन हिज स्पीच वे यानी ही क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, तारीफ करना का होता है प्रेजेज, तो ही प्रेजेज किसकी तारीफ करते हैं, राधा कृष्णन, तो लिख देंगे यहां पर राधा कृष्णन, है ना, इन हिज स्पीच ही प्रेजेज राधा कृष्णन, यानी वो राधा कृष्णन की तारीफ करते हैं, जिन्होंने, यानी अब राधा कृष्णन के लिए आएगा हु, जिन्होंने, जिन्होंने के लिए हो गया हु, है ना, जिन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कई बदलाव लाया है, बदलाव लाया है, प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज और हैव के साथ भी थ्री, हु हैज ब्रॉट, लाया है, जिन्होंने लाया है, हु हैज ब्रॉट, क्या लाया है, कई बदलाव, मेनी चेंजेज, जिन्होंने बदलाव लाया है, बहुत, मेनी मतलब बहुत या कई, ठीक है, ही हैज ब्रॉट मेनी चेंजेज, अब क्या है, अपने अनुभव के आधार पर, तो लिखेंगे बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस, इसका मतलब हुआ कि वे अपने अनुभव के आधार पर बहुत सारे बदलाव को लाए हैं, चलिए यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, अगला स्लाइड है, डॉक्टर जाकिर हुसैन शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन बताते हैं,
डॉक्टर राधा कृष्णन तो पहले लिखेंगे, सॉरी डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं भाई, साधन बताते हैं, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, साधन बताते हैं, तो पहले लिखेंगे बताते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिस्क्राइब्स, डिस्क्राइब्स यहाँ पर क्यों लगा, बताते हैं मतलब वर्णन करते हैं, है ना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिस्क्राइब्स किसकी, शिक्षा की, तो यहाँ पर लिख देंगे एजुकेशन। एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, तो बताते हैं कि एजुकेशन राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है, तो लिखेंगे एजुकेशन इज द प्राइम, प्राइम मतलब मुख्य या प्रमुख इंस्ट्रूमेंट, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन डिस्क्राइब्स यानी ये बताते हैं या वर्णन करते हैं, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन, क्या है, राष्ट्र निर्माण, तो लिखेंगे नेशन बिल्डिंग, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या करते हैं, बताते हैं यानी डिस्क्राइब्स करते हैं शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, यानी बताते हैं कि शिक्षा जो है वह एक नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र निर्माण का प्रमुख क्या है, साधन है, ठीक है। तो एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ तक आगे है, वह लोगों से यह भी कहते हैं कि पूरा भारत उनका घर है, वह यानी ही, ठीक है, लोगों से कहते हैं, तो लिखेंगे ही टेल्स द पीपुल, यानी वे लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, ही टेल्स, देखिए वह ही हो गया, लोगों से यह भी कहते हैं, ही टेल्स द पीपुल, यह भी कहते हैं, यहाँ पे ऑल्सो लगा सकते हैं भी के लिए, ही ऑल्सो टेल्स द पीपुल की के लिए होता है डैट, तो यहाँ पे डैट लगा देंगे, पूरा भारत उनका घर है, डैट होल भारत इज हिज होम, है ना। फिर आगे है और के लिए यहाँ पे जोड़ देंगे एंड, यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं, एंड इट्स पीपुल आर, उनके परिवार के सदस्य हैं, तो आर क्या हो जाएगा, उनके, उनके मतलब हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है। लोगों ने उन्हें इस परिवार के मुखिया के रूप में चुना है, लोगों ने, तो लिखेंगे पीपुल, पीपुल के साथ चुना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पीपुल हैव इलेक्टेड, इलेक्टेड मतलब होता है चुनना, पीपुल हैव इलेक्टेड हिम, लोगों ने उन्हें चुना है क्या के रूप में, इस परिवार के मुखिया के रूप में, पीपुल हैव इलेक्टेड हिम एज द हेड ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। इसलिए लिख देंगे सो, वह इस देश को भलाई के लिए, इस देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने की अपील करते हैं, तो लिखेंगे सी सो ही अपील्स, किससे अपील करते हैं, वह इस देश की भलाई के लिए मिलकर काम करने की अपील करते हैं, तो सी ही अपील्स हो गया, ही अपील्स, वो अपील करते हैं इस देश की भलाई के लिए, तो हो गया सो ही, तो ही अपील्स टू वर्क, है ना, मिलकर काम करने के लिए, टू वर्क टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, ही अपील्स टू वर्क टुगेदर, यानी वो कहते हैं, अपील करते हैं वर्क, काम करने की एक साथ, ठीक है, इस देश की भलाई के लिए, तो लिखेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। ऑफ के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, दिस कंट्री, ऑफ के बाद दिस कंट्री, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ है कि अपने भाषण के अंत में, तो लिखेंगे एट द एंड ऑफ हिज
स्पीच एट द एंड ऑफ हिज स्पीच, यानी इसका मतलब वो अपने भाषण के अंत में वह ही महात्मा गांधी को भी याद करते हैं, तो पहले लिखेंगे कि वह याद करते हैं, ही रिमेम्बर्स, है ना, ही रिमेम्बर्स किसको याद करते हैं, महात्मा गांधी को, ही रिमेम्बर्स महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी को भी याद करते हैं, और एंड कहते हैं, एंड सेज दैट, एंड सेज दैट, और कहते हैं, एंड सेज दैट की के लिए डैट लगा है, शक्ति का इस्तेमाल केवल नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, दैट पावर, शक्ति का है ना इस्तेमाल, पावर शुड क्यों लगा, क्योंकि इसमें चाहिए है ना, दैट पावर शुड बी यूज्ड, किया जाना चाहिए पैसिव वाइज, पावर शुड बी यूज्ड ओनली, केवल है ना, केवल नैतिक उद्देश्य के लिए, ओनली और नैतिक का होता है मोरल, मोरल उद्देश्य, उद्देश्य के लिए होता है पर्पस, है ना। तो देखिए महात्मा गांधी को याद करते हैं एंड सेज डेट, कहते हैं कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, यानी वह कह रहे हैं कि पावर यानी शक्ति का इस्तेमाल केवल होना चाहिए किस चीज के लिए, तो नैतिक उद्देश्य के लिए, मोरल पर्पस के लिए। तो किस तरह से आपको ये समरी लगा, हिंदी टू इंग्लिश करने में थोड़ा समय तो लगा, लेकिन आप लोगों को समझ में बिल्कुल आना चाहिए। आगे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है जिसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बनते हैं। दो ऑप्शन है 1967, 1969, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सही आंसर इसका क्या होगा। थैंक यू।